दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गार्लिक तंदूरी कैसे बनाया जाता है। तो गार्लिक तंदूरी के लिए सबसे पहले हमने ये 800 ग्राम साइज का एक बॉयलर ले लिया है। ये तंदूरी साइज है, 800 ग्राम ही होना चाहिए। 800 के ऊपर जाएगा तो हार्ट जो चिकन होता है थोड़ा कड़क होने लगता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेगा कि तंदूरी चिकन की जो साइज होता है वो 750 से लेकर 850 ग्राम तक यूज़ करने का। तो चलिए दोस्तों, 750 का नीचे लेने का नहीं और 850 का ऊपर लोगे तो फिर बहुत थोड़ा हाइट साइज बड़ा हो जाएगा। तो छोटा 750 का नीचे होगा तो छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह हम साइड से चीरा मार लेंगे और इस हड्डी को अंदर का उसको साइड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से लेग को अलग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों दोनों लेग को अलग कर लिया, साथ ही साथ अभी ब्रेस्ट पीस किस तरह हम कट कर लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो हमने इस तरह इसका जो फैट है, स्किन का चमड़ी है, जो भी है, इसको इस तरह हम निकाल लेंगे, क्लीन कर लेंगे चाकू के सहारे से। और इस तरह हम क्लीन करें तो अंदर के हिस्से में जो भी बेस्ट चीज़ है उसको साइड कर देना। तो दोस्तों इस तरह इसको यहाँ से कट लगाना, इस तरह 1 2 3 साइड से थोड़ा सा काट लगा दीजिए। तो दोस्तों काट लगाने का तो अलग अलग तरीका है, आप लोग को जो तरीका पसंद है वो कर सकते हो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि ऐसा लंबाई काट सकते हो, आप थोड़ा सा क्रॉस भी मार सकते हो। मतलब हर किसी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता रहता है, कटिंग थोड़ा चेंज होता रहता है रेगुलर ही। तो कटिंग चिरा मारने का सिस्टम आप पर डिपेंड करता है। तो अभी दूसरा जो लेग है, लेग को इस तरह इस साइड से चाकू डालना, इस तरह चीरा मारना दोस्तों। चीरा मारने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से मसाला जाएगा अंदर तक और अच्छे से चिकन पकेगा और मसाला जाने की वजह से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम थोड़ा सा क्रॉस काट मार लेंगे, साथ ही साथ इस तरह क्रॉस काट मार लेंगे जैसे कि देख सकते हो। अब यहाँ से बीच से चाकू को हम लेग का साइड से थोड़ा सा चीरा मार देंगे ताकि यहाँ से मसाला जाए और अंदर का हड्डी पक जाए। ये देख सकते हो हमारा चिकन कट के रेडी है। तो इस तरह हम इसका भी चिरा मार लेंगे और इसको इस तरह कट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह क्रॉस कट मार देंगे और अंदर से यहाँ से थोड़ा सा इसको फाड़ लेंगे ताकि यहाँ से मसाला जाए और तंदूर का जो हीट है वो भी जाए अंदर और फिर जल्दी जल्दी पके। ये पकने के लिए ऐसा काटें तो आप लोग चॉइस आप कट सकते हो, आपको जैसे कटिंग काटना पसंद है काट सकते हो, बट कट लगाना जरूरी है और अंदर का ये जो भी वेस्टेज है गंदगी उसको निकालना जरूरी है। तो जैसे कि ये हम इस तरह लंबा काट लेंगे, ये हो गई हमारी कटिंग, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि कैसा तंदूरी चिकन मैरिनेशन करना है और कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसको दोस्तों वॉश कर लेंगे, डाल देंगे इस तरह, साथ ही साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, हरी मिर्ची का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, 1 लेमन जूस 1/2 स्लाइस का। इसके बाद दोस्तों मारेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। आप दोस्तों इसको अच्छी तरह मैरिनेशन कर लेंगे, इसको इस तरह अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन को हम 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे कि देख सकते हो अच्छी तरह हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। जैसे कि हमारे पास तो फ्रिज में बना हुआ चीज़ है रेडी, बट हम आप लोगों के लिए दिखाया कि तंदूरी चिकन को मैरिनेट कैसे करना है। हो गए मैरिनेट किया हुआ चिकन, अब आप लोगों को दिखा देंगे कि मसाला कैसे बनाता है। दोस्तों हम डाल लेंगे इसमें कम से कम 30 ग्राम तक चीज़, 1 पर्सन के लिए, 1 पर्सन ऑर्डर के लिए 30 ग्राम तक चीज़ डाल देंगे। साथ साथ नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून से भी कम, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून से भी कम और जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून से भी कम। साथ साथ डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा बारीक किया हुआ कस्तूरी मेथी,
आप डालेंगे एकदम फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक को एकदम फाइन चॉप किया हुआ चाहिए दोस्तों, इस तरह। आप दोस्तों डालेंगे क्रीम 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून काजू का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाला से, अच्छी तरह चीज़ गार्लिक मसाला इतना ज़बरदस्त इसको मैशिंग करना है दोस्तों, इस तरह जैसे कि मैं मैशिंग कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरह इसको मैश करना है। मसाला को एकदम मसल देना है, गार्लिक जो है पूरा दब के जाना चाहिए इसके अंदर मसाला। अब दोस्तों इसमें डालेंगे हम हैंग दही। तो हमने 2 बड़ा टेबल स्पून हैंग काट डाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 टेबल स्पून हमने हैंग दही डाला हुआ है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और तो ये देख सकते हो दोस्तों गार्लिक तंदूरी का क्या ज़बरदस्त कलर है, तो ये वाला कलर आना चाहिए गार्लिक तंदूरी के लिए। मसाला जो है दोस्तों एकदम लाइट होना चाहिए। आप इसमें डालेंगे 4 मसाला, 1 टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 1/2 लेमन के जूस। इस तरह 1 लेमन जूस डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हो मसाला का जो कलर है, एक कलर आप लोगों को रहना चाहिए, ऐसा कलर मसाला का रहना चाहिए दोस्तों। तो ये लाइट कलर मसाला का रहना चाहिए। अब हमारे पास जो मैरिनेशन किया हुआ तंदूरी है उसको हम इसमें डाल देंगे, इस तरह डाल देंगे। आप इसको अच्छी तरह इस मसाला पे मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए मसाले के अंदर छोड़ देंगे, उसके बाद ही इसको तंदूर में लगाएंगे। और जो मेरा दोस्त लोग घर से देख रहे हो, घर पे बनाना चाहते हो ये रेसिपी देखने के बाद, उनको मैं यही बोलूँगा सारे चीज़ जैसे हम मसाला बना रहे हैं, जैसे हम इसको मैरिनेट किया हुआ है, आप लोग भी इसी तरह गार्लिक तंदूरी अगर खाना है घर पर तो आप लोग भी इसी तरह मसाला बना लीजिएगा, इसी तरह मैरिनेट कर लीजिएगा। और ऐसा ही मसाला अंदर अंदर जैसे कि मैं डाल रहा हूँ इसका अंदर मसाला, ऐसा ऐसा करके हाथों से मसाला अंदर छोड़ने का है और फिर इसको घर तंदूर का, आप लोग इसको ऐसा मसाला बना के फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए छोड़ देने का या 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, वो आप लोगों को डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम 1 घंटा ऐसा मसाला लगा के फ्रिज के अंदर रखना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद आप लोग इसको नॉन स्टिक पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको आराम से, मस्टर्ड ऑयल बटर डाल के आराम से रोस्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आप लोगों को घर पे भी, सेम टेस्ट जैसे होटल पे बनता है वैसा ही घर पे भी बनेगा। अगर आप लोगों को हो सकता है तो जैसे चिकन पक जाता है उसके बाद बीच में नॉन स्टिक के बीच में एक छोटा सा कोयला जला कर स्मोक दे सकते हो तो तंदूर का जो फ्लेवर होता है वो आ जाएगा। वो मैं कभी एक अगला वीडियो में करके दिखाऊँगा जैसे कि स्मोक कैसे किया जाता है। तो ये गार्लिक तंदूरी रेडी है, मसाला बन के रेडी है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद तंदूर में लगाएंगे, फिर आगे का हिस्सा आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस तरह एक मोटा 5 नंबर शरह ले लेंगे और इसी तरह गार्लिक तंदूरी को अंदर से इस तरह मसाला, जितना मसाला इसको लगाओगे दोस्तों उतना मज़ा आता है इसको खाने में। तो मसाला में कोई कंजूसी नहीं करना है लगाने के लिए। इस तरह हम 20 बराबर से इसको निकाल देंगे और जो इसका पंख है, पंख को हम इस तरह डाल देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ से काट लगा देते हैं हाथों के सहारे ताकि हमारा जो गार्लिक तंदूरी है जल्दी जल्दी पके, तो जिसके चलते हम इसको थोड़ा सा थोड़ा काट लगा देंगे हाथों के सहारे से, क्योंकि हमारा चिकन मसाला के साथ कम से कम 10 से 12 घंटा भिगा हुआ है, जिसके चलते ये बहुत अच्छी तरह नरम हो चुका है तंदूरी। तो हाथों के सहारे से वो, आप लोग देख सकते हो कि हाथों के सहारे से वो निकल आ रहा है। तो ये होता है मसाला पे मैरिनेट करके रखने का मतलब, क्योंकि ये नरम हो जाता है चिकन, चिकन जो है ना दोस्तों नरम हो जाता है और बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है यार, एकदम ज़बरदस्त रोस्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आप इसको हम तंदूरी में डाल देते हैं, हमारा रेडी है तंदूरी और गार्लिक तंदूरी भी रेडी जाने के लिए।
तो सबसे पहले हमने इतना बढ़िया तरीके से इसका मसाला लगा लिया, आप लोग देख सकते हो कहीं से भी कंजूसी नहीं किया हुआ है। डाल देते हैं, इस तरह हमारा गार्लिक तंदूरी चला जाएगा तंदूर का अंदर। और तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इसको पकने देते बड़े आराम से और इसको ढक्कन लगा देते, इसके बाद आगे का वीडियो दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हो हमारा जो गार्लिक तंदूरी है बढ़िया सा कलर आ चुका है और थोड़ा सा और उसको रोस्ट करना बाकी है। इसको आराम आराम से इसको रोस्ट होने देंगे। अब थोड़ा सा डाल देते हैं बटर इसके अंदर ताकि इसमें थोड़ा सा स्मोक भी है, कोयले का जो स्मोक है वो आ जाए। और साथ साथ हमारे पास दूसरे एक और ऑर्डर भी है साथ साथ। तो ये है हमारे मटन है, तो मटन सीख हमारे पास चुका है। ये मटन सीख आप पिकअप कर देते हैं, तो इसका तो वीडियो हम बना नहीं रहे, अगला कोई वीडियो पे हम मटन सीख का वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले फिलहाल हम गार्लिक तंदूरी का वीडियो बना रहा हूँ। तो गार्लिक तंदूरी देख सकते हो दोस्तों कितना लाजवाब कलर आया हुआ है ना दोस्तों। तो इसी के लिए हमने सबसे बोला कि कलर इसका आना बहुत ज़रूरी है, कलर के बिना तंदूरी अधूरा है। तो इसको हम अब इसका ढक्कन लगा देंगे तंदूर का अंदर पकने के लिए और इसको अप डाउन होने देते और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कितना लाजवाब कलर आ चुका है, इसको इसी तरह हम थोड़ा सा और पका लेंगे ऐसे भी। और इसको जैसे जैसे पकते जाएगा वैसा ऐसे इसका स्वाद आता जाएगा दोस्तों। पकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जो मेरे दोस्त लोग इसको घर पे बनाना चाहते हो उसे मैं यही कहता हूँ कि आप लोग घर पे नॉन स्टिक लीजिए और नॉन स्टिक पे ऐसा तंदूरी को लेके ऑलिव फ्राई कर लीजिए। तो जैसे कि हम गार्लिक तंदूरी होटल पे जो बनता है जितना पे बढ़िया यहाँ बनता है इतना ही बढ़िया घर पे भी बन जाएगा दोस्तों। इससे कोई परेशानी की बात नहीं। आप लोगों को करना क्या है, करना ये है कि गार्लिक तंदूरी का जिस हिसाब से हमने मसाला बनाया इसी हिसाब से आपको मसाला बनाना है और उसके बाद आपको नॉन स्टिक में डाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको थोड़ा पका लेते ऊपर ही, उसके बाद इसको पिकअप कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह थोड़ा सा पलटी मार के देख लेते हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, आप लोग भी देख सकते हो। इसको थोड़ा सा अंदर ही डाल देंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी पक जाए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो तंदूरी जो है हमारा हाई टेम्परेचर है, तो इसको ज़्यादा देर तक इसका अंदर एक ही साइड से रहने नहीं देना है, बीच बीच में इसको पलटी मारते रहना है, नहीं तो क्या होगा दोस्तों ये जलने के चांसेस रहेगा। तो गार्लिक तंदूरी दोस्तों ऐसा है इसको पकाना बहुत बेहतरीन होता है। और इसका जो मसाला दोस्तों मसाला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मसाला ज़्यादा इसका जो मसाला दोस्तों मसाला ज़्यादा मसालादार नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइट होगा तभी इसका मसाला बनेगा। तंदूरी का जो लाजवाब कलर है ना दोस्तों बहुत बेहतरीन कलर आया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो सब गार्लिक गार्लिक है, कितना बेहतरीन रोस्ट हो रहा है। तो इसको आप हम थोड़ा सा इस तरह पलटी कर देते हैं और इसके ऊपर से ये थोड़ा सा यहाँ से हम बटर लगा देंगे इस तरह, इस साइड से भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि जो गार्लिक तंदूरी है जल्दी जल्दी पक जाए। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह काट भी मार के चेक कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों हमारा जो गार्लिक तंदूरी है बहुत बेहतरीन पका हुआ है और बहुत बेहतरीन कलर आ चुका है। अब इसको इस तरह थोड़ा सा पलटी मार देंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे दोस्तों। बेहतरीन कलर आ चुका है, अब इसको पिकअप करना बाकी है। अब हम इसको पिकअप कर देते दोस्तों, हम इसको एक स्लाइस को निकाल देंगे यहाँ से तरह।
बाद उसको हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा लेमन का जूस, थोड़ा सा बटर इस तरह लगा देंगे। बटर के बिना कबाब अधूरा है, तो ये है अमूल बटर। अमूल बटर लगा दिया हमने। आप इसको डाल देंगे इसके ऊपर से थोड़ा सा कोथमीर। आप हम टेबल पे इसको पिकअप कर देते हैं, देख सकते हो जैसे कि हम इसको पिकअप करने वाला है इस तरह। और साथ ही साथ इसको डाल देंगे इस तरह। और बाकी जो मसाला है हम इस तरह इसके ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देंगे। साफ साफ थोड़ा सा गार्लिक फ्राई इस तरह से डाल देंगे। ये हमारा हो गया रेडी गार्लिक तंदूरी।